Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल DVS Rider Diaries। सो फाइनली आईफोन ने अपनी सारी सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें आईफोन 15, 15 प्लस प्रो, प्रो मैक्स के बारे में आपको ऑलरेडी डिटेल आ चुकी होगी। बट मेरी जो चॉइस थी वो थी आईफोन 15 प्रो। प्रो सेट मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, तो इस बार मैं प्रो यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइज देख सकते हो आप, ये है आईफोन 14 प्रो जो कि 256 GB का है, क्योंकि 128 में आपकी मेमोरी एक हद तक कभी ना कभी भर जाएगी, क्योंकि 5x जूम है इसमें, और 4K की अगर आप वीडियो बनाते हो तो कभी ना कभी आपने व्लॉगिंग करनी हो तो दिक्कत आती रहती है। तो मेरा जो चॉइस थी वो थी 256 GB की, जिसका कॉस्ट पड़ा मुझे 1,45,000 का, जिसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है गाइस। बट फिर भी मेरे को जैसे तैसे जल्दी प्रोवाइड करवाना था, तो बड़े मुश्किल से मैंने इस साइड को सेल को प्रोवाइड करवाया जैसे तैसे। तो गाइज़ आप देख सकते हो इस पर लिखा है आईफोन 15 प्रो 256 GB, और ये आप देख सकते हो सामने की तरफ, और मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हो ये सितंबर 2023 में हुई है। तो गाइज़ अभी इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे अभी, तो आप इसके बारे में रिव्यू बता देना। तो अब टाइटेनियम पे आते हैं, बाकी इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाता हूँ, तो बने रहे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और 15 प्रो एंड टाइटेनियम, नेचुरल टाइटेनियम, जिसका प्राइस बता रहे हैं 1,44,900। तो आप बैक साइड से देख सकते हो इसकी लुक, डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और इसमें दो स्लिप है आप देख सकते हो फ्लिप। इसको हम निकालेंगे अभी, बाकी मेंशन किया हुआ है 15 प्रो 256 GB, इसमें MRP भी लगा हुआ है आपका, और यहाँ से भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी लोगो लगा हुआ है, और सामने आपको फील आएगी इसकी जो लुक है टाइटेनियम की। तो गाइज इसको हम करेंगे अभी अनबॉक्सिंग, यहाँ से फ्लिप खोलता हूँ अभी। मैंने खोल दी, और बाकी इसको देख सकते हो आप फ्रंट की तरफ से, ये वाली लुक, वाओ ऑसम गाइस। ये देख सकते हो नेचुरल टाइटेनियम जो लुक है। बैक साइड में आप तीन कैमरास देख सकते हो, बाकी इसको उठा के देखते हैं अभी, ये लुक रहेगी गाइस सामने, और काफ़ी हल्का लग रहा है प्रो के मुकाबले, काफ़ी हल्का लग रहा है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। देख सकते हो आप ये जो साइड में जो कर्व है, ये काफ़ी मोल्ड की हुई है। ये मेरा आईफोन 14 है, जिसमें आप देख सकते हो काफ़ी शार्प है, जिसको भी हार्ट पेन होने लग जाता था अगर आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। फ्रंट से लुक देख सकते हो, साइड में इसके बटन है। पहले जो बटन आते थे वो अप एंड डाउन के आते थे, जो आप देख सकते हो ये अप एंड डाउन का, इसमें साइलेंट मोड ऑन ऑफ हो सकता था, बट इसमें काफ़ी ऑप्शन है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये इसके वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और ये है इसकी सिम ट्रे, आप देख सकते हो। बैक में आपकी लुक कैसी रहेगी जैसे 14 में थी, पर काफ़ी चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो आप, ये लुक है और नेचुरल टाइटेनियम, और इसकी लुक देख के ऑसम गाइस, मतलब मेरा मन बिल्कुल खुश हो गया इसको देख के। साथ में देख सकते हो आप, इसमें एक चीज़ जो आई हुई है साथ में आईफोन के साथ, ये है आपकी USB टाइप सी, और जो इसकी केबल है पूरी, मतलब प्लास्टिक टाइप में ही केबल है ये पूरा, जैसे मैकबुक में जो अपने आती थी आपकी केबल, उसकी तरह है, जैसे कपड़े वाली चीज़ है। बाकी इसमें ब्रेकेज होने का कोई टेंशन नहीं रहेगी, आप देख सकते हो ये भी टाइप सी है और ये भी टाइप सी है, तो आपको चार्जिंग करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और आपको अगर आपने मैकबुक से अटैच करना है तो आप बड़े कंफर्टेबली इसको अटैच कर पाओगे। इस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ, आईफोन में जो फ़ोन में ये दो चीज़ें हमें दी हुई है, जो इसमें केबल दी हुई है, इसमें चार्जर नहीं है। जो भी आपने चार्जर लेना होगा आप पिछला भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपके पास अगर पुराना आईफोन है तो उसका भी चार्जर यूज़ कर सकते हो, जैसे मेरे पास 14 है तो इसका चार्जर यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो बैक साइड सेम है, ये प्रो है, 14 नॉर्मल है, और ये पुट, और बाकी जो ये कर्व है ये मेन चीज़ है यहाँ पे, ये काफ़ी हैंडी हो चुका है, जिसमें आप बड़े अच्छे ढंग से इनको पकड़ सकते हैं, जिसमें आप कंटिन्यू अगर आप इसको यूज़ भी करोगे तो आपको बड़ी दिक्कत नहीं होगी चलाने में, क्योंकि काफ़ी स्मूथ है साइड बाई साइड। तो आप ये लोगो देख सकते हो, प्रीमियम लुक आ रही है इसकी, तो मैं अभी ऑन करता हूँ, तो एप्पल का लोगो चालू हो गया आ रहा है आपका अपीयरेंस, जैसे भी डिफ़ॉल्ट मीडियम या लार्ज करना है आपने तो आप देख सकते हो, तो आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे डिफ़ॉल्ट को कंटिन्यू, और सबसे पहले आप अपने वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अपडेट, इसको आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है मेरा फ़ोन, तो ये आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। बाकी ये मेरा फ़ोन आना आईफोन है, तो इसका जो डाटा है मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगा अभी गाइस,
ये आईफोन 14 है, तो इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी थी, बट जब नई चीज़ मार्केट में आ चुकी है तो मैं जा रहा हूँ अभी 15 प्रो में। वैसे ही मैंने अपना फ़ोन स्टार्ट किया आईफोन 15 प्रो, और 14 प्रो में नोटिफिकेशन आ सकती है, आपको देख सकते हो आप। मैं स्कैन करूँगा मैं, तो जो डाटा है मेरे पुराने आईफोन का वो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा अपने इस आईफोन से उस आईफोन में। सो गाइस देख सकते हो आप, रिस्टोर कंप्लीट एप्स एंड डाटा विल बी कंटिन्यू डाउन इट बैकग्राउंड, कंटिन्यू कर सकते हो आप। पुराना आईफोन को मैं साइड करता हूँ, इसका जो डाटा था वो ट्रांसफ़र हो चुका है इसमें, अभी के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं हम। ये नोटिफिकेशन बता रहा है कि आपने कैसे इसका जो एक्सेस बटन है, जिसे आप देख सकते हो सामने की तरफ, ये जो बटन है ये कैसे यूज़ करना सकता है। प्रेस होल्ड एंड साइलेंट मोड ऑफ, देखो आप कर सकते हैं, इसमें साइलेंट मोड आ चुका है और आप इसको बटन दबाओगे तो ये रिंग हो जाएगा। बार भी और भी ऑप्शन है इसमें, आगे दिखाऊंगा आपको। इसको आपने कंटिन्यू कर दिया और साइड का जो बटन है आप यूज़ कर सकते हो उसको, देखो ये आपका साइलेंट मोड है, ये आपका फोकस डोंट डू नॉट डिस्टर्ब, इसमें कैमरा भी खोल सकते हो, टॉर्च भी यूज़ कर सकते हो, वॉइस मेमो हो गया, और भी चीज़ें जो आपने एक्सेसिबिलिटी इसमें यूज़ करनी है काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ये ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छी लगी इसमें और काफ़ी ही अट्रैक्टिव लुक है, इसको आप कंटिन्यू करो। वेलकम टू आईफोन। तो गाइस ये देख सकते हो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, बाकी जो मेरे पुराने आईफोन का डाटा है वो सारा ऑलमोस्ट यूज का है। यूज़ दिस फोन व्हेन शेयर योर लोकेशन, आप इसको ऑन कर सकते हो, आप देख सकते हो इसको प्रीमियम लुक। आपकी जो स्क्रीन दिख रही होगी आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है मेरे को, पुराने फ़ोन को जैसे मैं यूज़ करने के बाद इसको फ़ोन करने को यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। और भी मैंने कैमरा खोला, आप देख सकते हो पोर्ट्रेट इन फोटोज़ मोड कंटिन्यू कर सकते हो, तो ये 5x जूम है, देख सकते हो साइज 5x जूम, 1x 2x 3x, तो ये 5x है गाइस, देखो कितना लुक अलग आ रही है इसमें। तो ये ऑप्शन इसमें मिल सकती है आपको, बाकी वीडियोस में जाओगे आप वीडियो की क्लैरिटी देख के पता लग रहा होगा आपको कितनी क्लियर है, बाकी इसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा बना के। सिनेमेटिक की ऑप्शन है जैसे कि और भी कैमराज में थी पहले आईफोन्स के, तो इसमें डिफरेंट होगी, ऑलरेडी मैं आपको बताऊँगा इसके सिनेमेटिक कुछ वीडियोज़ लेके। बाकी स्लो मोशन टाइम लैप्स भी बना सकते हो आप, ये वाली फैसिलिटी है इसमें। आपको ओवरऑल पोर्ट्रेट मोड दिख जाएगा, पैनो मिल जाएगा, पर जो ये जो जूमिंग है 5x जूम है आप देख सकते हो, और आपकी फ़ोटो फटेगी नहीं, जैसे कोई भी फ़ोटो है आपकी वो फटेगी नहीं फ़ोटो, देखो कितनी क्लियर आ रही है गाइस, इसलिए बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। फ्रंट की लुक है, और ये आप देख सकते हो फ्रंट की फ़ोटोज़, ये मैं फ़ोटोज़ ले रहा हूँ और आप देख सकते हो किसकी क्लियरिटी, अभी तो नाइट मोड है इतना साफ जो क्लियरिटी एडिट करना पड़ेगा, बट फिर भी ओवरऑल इसकी लुक आप देख सकते हो काफ़ी क्लियर आ रही है आपको, वीडियोस में दिख रहा होगा आपको काफ़ी क्लियर है, और वीडियोज़ में भी जा सकते हो आप, वीडियो की जो क्वालिटी है जो फ्रंट के कैमराज की वो काफ़ी क्लियर है, और देखो सामने से देख सकते हो आप काफ़ी, अभी यहाँ पे लाइट के ऑप्शन का इशू है बट फिर भी आपको क्लियरिटी दिख रही होगी कैमराज में। इस पर वीडियो चला के देखते हैं, अभी वीडियोज़ की ये मेरी ही वीडियोज़ है तो ये काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा आपको, वीडियो की क्वालिटी पे जाके आप इसकी जितना भी हाई पिक्चर रेगुलेशन कर सकते हो और देख सकते हो 8x जूम है, 4K की वीडियो देखने में कुछ और भी मज़ा होगा। बाकी साउंड क्लियरिटी आपको दिखाता हूँ मैं इसकी जो भी इसमें, और वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा लगता है लाइव देखने को कुछ अलग ही लगा, और गेमिंग के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। ये बैक साइड आपने देखी है, इसका पॉइंट है आप टाइप सी का चार्जिंग कर सकते हो, एक बार मैं अपने पुराने आईफोन से इसको चार्जिंग करके देखता हूँ, ये इसकी टाइप सी है, इसको खोलते हैं गाइस। जो ये कपड़े वाली लुक दिखा रही है आपको काफ़ी, मतलब बोल सकते हैं इसमें ख़राब होने के कम चांसेस है, क्योंकि ये जो चीज़ है फ्लेक्सिबल है। बाकी मैं अपने पुराना आईफोन का चार्जर लाता हूँ, उसमें चेक करते हैं कि ये सपोर्ट कर रहा है उसको कि नहीं, मुझे चार्जर एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है या नहीं। मेरा सो गाइस ये था मेरा चार्जर पुराना, जो
यहाँ से टाइप सी चलता था। बाकी जो इसकी पिन थी वो आईफोन में जो पिन आती है ऑर्डिनरी पिन जो आती थी उसके हिसाब से। पर इस केबल को हम साइड में रखते हैं, अब अटैच करते हैं हम इस केबल को। ये टाइप सी देख सकते हो आप, और ये चार्जिंग बता रही है आपको 16 है, तो मतलब ये इसमें अच्छी चीज़ है कि मुझे चार्जर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताई आईफोन 15 प्रो का 256 का जो वेरियंट है, तो गाइज मेरे को ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। ये बैक साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो, नेचुरल टाइटेनियम का जो बनाया है। इसके साइड बाय साइड मैंने आपको चीज़ें बताई, जो स्लाइड थी वो कर दी है थोड़ी, जिससे कि पकड़ने में काफ़ी आसानी हो रही है। बाकी रही बात जो साइड बटन का यूज़ भी बताया मैंने आपको, काफ़ी इसमें और भी चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताता रहूँगा। मैंने माइनर सी छोटी सी एक अनबॉक्सिंग की वीडियो जो आपको दिखानी थी, अपनी जो फर्स्ट लुक आपको दिखा के अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता था, फिर है मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ इस सेल से। बाकी 3 कैमराज है इसमें, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रो में जो जितने भी वेरिएंट आते हैं। टाइप सी की एक अच्छी ऑप्शन मिली, जिसमें मैंने आपको चार्जर में दिखाया कि आपका कोई भी चार्जर इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो एक अच्छी बात आईफोन वालों ने कर दी है, जिससे मैकबुक में अटैच करने में आसानी होती है। तो गाइज़ काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी लुक है। बाकी इसके सिनेमेटिक वीडियोज़ भी मैंने आपको दिखाई, और काफ़ी ओवरऑल 5x जूमिंग भी है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो गाइज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक से ना सब्सक्राइब। अगली वीडियो मिलते हैं फिर से धर्मवीर सिंह से का, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।